guys, welcome back. Good healthy morning. हम आज बात करने वाले हैं रेड मीट पे और इनसे मिलने वाली एनर्जीज पे, इनसे मिलने वाली अच्छी चीज़ों पे भी और बुरी चीज़ों पे भी. और इस पे हम जिसमें जो एलर्जीज का कॉम्पोनेंट भी आता है, कुछ लोगों को रेड मीट से एलर्जी भी होती है, उस पर भी बात की जाएगी. मैं सबसे पहले पोल भी रिपीट कर दूँ आपको. हमारे पोल का क्वेश्चन आप पता चल ही गया होगा, इनफैक्ट रट गया होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अभी ट्यून किया मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर दूँ कि एक 26 साल की खातून है जिनकी फैमिली टेंडेंसी है बल्कि होना. वो बल्कि हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बल्कि हैं, लेकिन उनका रिश्ता नहीं आता है, आता है तो चले जाते हैं इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी बल्कि हैं. तो वो कह रही हैं क्या मैं वेट लूज़ करूँ उस चीज़ के लिए, या फिर मुझे मेरे राइट पार्टनर का वेट करना चाहिए, या आपको इसका जवाब देना है हाँ में या नहीं में. और हमारे पास दो दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक हमारे बहुत ही फेवरेट डॉक्टर साहब, इनसे आपकी मुलाकात पहले भी रही है. हमारे पास सबसे पहले मौजूद है मेरीन. मेरीन इज अ न्यूट्रिशनिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं मेरीन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी हमें डेंगू फीवर पे कवरेज भी दी थी, डॉक्टर आसिफ फारूकी. इनको भी वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी. बिल्कुल. आज हमने आपको फिर से सहमत दी सर हमें अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए. जरूर. अच्छा सर, यहाँ आप लोगों ने सबसे पहले मेरी हम इनसे भी पोल पूछते हैं. पहले पूछते हैं कि ईद कैसी थी. मेरी ईद कैसी थी? बहुत अच्छी माशाल्लाह. न्यूट्रिशनिस्ट की ईद कैसी होगी? ये ना डालो, ये ना डालो, उसमें ये होता है, वो ना डालो, वो ना डालो, अरे अरे इसको हटाओ, इसको हटाओ. ऐसी होती है न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है. फिर ये जब गोश्त आता है तो ये कहते हैं ना ट्रिम ऑल विजिबल फैट्स. फिर वो जरा बेचारे जो खसाई होते हैं उनके साथ वो होता है कि ये क्यों करवा रही है, ऐसा क्यों करवा रही है, मीट को इस तरह से साफ करो, ये करो. तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है घर पे. अच्छा, मेरी एक सवाल इसमें ये है कि कलेजी जो होती है वो हमारे यहाँ एक तो सबसे पहले बनती भी है, और दूसरा कलेजी के फायदे क्या हैं? पहली बात है कि रिच ऑफ आयरन सोर्स है, ठीक है. और फिर अच्छा, सबसे पहले क्यों बनती है? क्यों बनती है? क्योंकि सुन्नत है ना. अच्छा, सुन्नत है ना. सुन्नत भी है तो इसलिए पहले बनती है. और फिर वो पार्ट ऐसा होता है कि मतलब एक ईद का फील आ रहा होता है अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो आपको गोश्त बनने में इतना टाइम लगता है तो वो पेट में स्टमक में इतना देर स्टे रह करती है कलेजी. इसलिए ये वाला भी पॉइंट आ जाता है. स्टमक यानी आसरा रहे, आसरा रहता है कि गोश्त जब तक आ जाए. इस वजह से तो ईद अच्छी गुजरी, एंजॉय किया बहुत. ठीक है जी, सर से भी पूछते हैं. सर जी आपकी ईद कैसी रही? हॉस्पिटल में तो नहीं गुजरी? नहीं, हॉस्पिटल में ईद का दूसरा दिन तो गुजरा, इसलिए कि आई वाज ऑन कॉल. लेकिन डॉक्टर्स की जिंदगी के साथ ये बात है. हम लोग भी सर पहले दिन हमारे अपने व्यूअर्स के साथ थे, तीसरे दिन भी थे, दूसरे दिन की मुझे छुट्टी मिली थी. नेक काम है. ठीक है सर, तो फिर आप अच्छा ईद कुछ बहुत ही डिफरेंट हुआ, कुछ मजे का हुआ, कोई सबसे फेवरेट आपकी कोई चीज बनी हो खाने में? नहीं, जो यूजुअल हमारी ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो आमतौर पे आप डाइट कॉन्शियस होने की वजह से ज़रा अवॉइड करते हैं, कम रखते हैं, तो वन ऑफ दोज डेज जिस पे आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं एंड यू पाई शाय खाए सर. बिल्कुल खाए. देखो जरा, बिल्कुल खाए पाए. तो मतलब अच्छा, पाए की भी हम लोग जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू पूछते हैं कि पाए जो हम खाते हैं वो चिकनाई चिकनाई होती है, हाथ भी हम लोग के सारे चप 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 करना शुरू होता है, लेकिन क्या टेस्ट होता है. मेरीन पेट में जाके सब बराबर हो जाता है, मुंह का मसाला होता है. मेरी पाए हैं, ये क्या है, ये क्या, ये बुरी चर्बी होती है, क्या होती है पाए? देखिए पहली बात कि हम सिर्फ ये कहें कि आपने सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पाए, निहारी, भेजा, ऑल ऑफ दिस स्टफ ना, ये न्यूट्रिशनली हम रिकमेंड नहीं कर रहे होते. भेजा भी नहीं, भेजा भी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो फैक्ट शौक से नहीं. देखिए मैं बताऊँ इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है उसकी कुकिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है कि जब तक उसमें तेल खूब ना हो, प्याज हो, और मतलब मैंने अक्सर लोगों के देखा है कि उस पर बटर का भी एक स्प्रेड लगा के खा रहे होते हैं, ठीक है, तो बटर फ्राइड होता है, बटर फ्राइड, फिर एग्जैक्टली आप पराठा भी खा रहे होते हो साथ में, तो ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन बन के फिर आपको वो ज़्यादा मतलब टॉक्सिसिटी की तरफ आ रहा होता है. इसलिए भेजा, निहारी, पाए, हम ये यूजली कहते हैं यार आप लोग नहीं. देखिए वो अगर आप स्टीम करके खा रहे हो तो ठीक है, गुड इनफ, ठीक है, जो लाइक जैसे सालन में हम खा रहे होते हैं, ठीक है, हम तो ऊपर से डालते हैं निहारी के ऊपर. नहीं, लेकिन हमारे पास ये होता है कि हम उसको ऑयल में मतलब
जितना आप उसको पकाएंगे फिर वो उतना ही ज्यादा वो आपको पक पके सैचुरेटेड की तरफ, वैसे ही वो सैचुरेटेड होता है, वो और चला जाता है। फिर हमारे ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों को ये खिलाओ या बड़ों को ये खिलाओ जो अंडर वेट होते हैं, कि इससे वेट बढ़ेगा, इससे वेट नहीं बढ़ता, इससे आर्टरीज ब्लॉक हो रही होती हैं अल्टीमेटली। खतरनाक बातें, इसलिए खतरनाक बात पे हम एक कॉल ले लें। हाँ श्योर, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, और आपके आपसे तो ईद मुबारक हो चुकी। आपके जो न्यूट्रिशन साहब बैठी है और जो डॉक्टर साहब बैठे हैं माशाल्लाह बड़े हंसमुख है और बड़े प्यार से जवाब देते हैं, बड़े अच्छी तरीके से जवाब देते हैं, मेरे पसंदीदा शख्सियत होते हैं। तो मैं कुछ आज सवाल ईद के मुताबिक कुछ जरा खुशगवार से सवाल करना चाहता हूँ से हटके। बिल्कुल। तो मैं एक पहली बात तो आपके न्यूट्रिशन साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये हर जो भी जिसको भी विजिट करते हैं ये लोग तो ये कहते हैं ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ। अब एक तो ये बात हो गई, नहीं ये खाओ नहीं कहते, वो कहते ये ना खाओ ये ना खाओ ये ना खाओ, नहीं तो कुछ भी ना खाओ। मैं सिर्फ अजरा मजाक की बातें कर रहा हूँ, गुजरा है अच्छी बातें होनी चाहिए। अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि डॉक्टर साहब इंसान जो है कोई बैंक अकाउंट तो है नहीं जिसमें एक रुपया डिपॉजिट करेंगे फिर एक करेंगे तो दो हो जाएंगे। हर आदमी का अलग मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, हर आदमी का अलग अलग निजाम है, तो फिर ये न्यूट्रिशन क्या देख के गाइड करते हैं क्या नहीं देख के गाइड करते और आप किस तरीके से तजवीज करते हैं। और दूसरा एक हमारे जमाने में डॉक्टर हुआ करता तो एक बैग हाथ में उसके दो आदमी पकड़ के लाया करते थे और काफी मोटा ताजा होता था और जब तक वो मोटा ना हो तो उसको डॉक्टर ही नहीं समझा जाता था। तो ये चेंजेस कैसे आई है जरा बताएं। चले जी सब बहुत बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए यूसुफ साहब ने, बड़ा मजा आया उनके सवाल आते। थैंक यू यूसुफ साहब। सर वो मोटा डॉक्टर, अब बताए जब तक डॉक्टर ही मोटा होगा वो फिट नहीं होगा तो लोग उसको बिलीव कैसे करेंगे, है ना सर। अब हुआ ये है कि पिछले 30-40 साल में कॉन्सेप्ट्स जो हैं न्यूट्रिशन के बारे में बहुत चेंज हुए, खासतौर पे पिछले 15 साल में। न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है अब तक जो कि जब आप अंडरग्रेड मेडिकल एजुकेशन को देखें तो शायद बहुत कम पढ़ाया जाता है ना होने के बाद। कोई भी टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन देखें उसमें शायद 10 सफ़े अब भी नहीं होते न्यूट्रिशन के बारे में। लेकिन जो चीज़ रियल लाइफ में हमने रियलाइज की है कि न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़, जो बिग किलर्स हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, डायरेक्टली लिंक है हमारे बहुत ज़्यादा। आज से 25 साल पहले हमें ये भी पता नहीं था सही कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में क्या होना चाहिए। आज हमारे पास डेटा मौजूद है, हम उस पर एम्फोसाइज करते हैं, ट्रीट करते हैं, मरीजों को एडवाइस करते हैं कि जी बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल की वैल्यू क्या हो, एचडीएल की क्या सिग्निफिकेंस है, ट्राइग्लिसराइड्स की क्या सिग्निफिकेंस है, शुगर कंट्रोल का क्या मतलब है, किस हद तक होना चाहिए। और तो इस हिसाब से बहुत एडवांसमेंट हुई है पिछले दो दहाइयों में रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। तो उसमें ही कॉन्सेप्ट हमने एक प्रोग्राम में पहले बात की थी कि बॉडी मास इंडेक्स, के अंडरवेट क्या है, आइडियल बॉडी वेट क्या है, ओवरवेट और ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी, फिर डेटा यहाँ पे भी जमा हुआ कि मॉर्बिड ओबेसिटी और ओवरवेट होने के नुकसानात एज अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अदर बिग किलर्स इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन एंड हार्ट प्रॉब्लम्स क्या है उसका। तो ये चीज़ें डेटा जो है ये अब अवेलेबल है इसलिए ज्यादा एम्फसिस है। डॉक्टर्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी चेंज हो गई है। बिल्कुल, जाहिर है कि जब आप कोई चीज प्रीच कर रहे हैं तो यू शुड आल्सो बी प्रैक्टिसिंग इट, यू शुड प्रैक्टिस इट वेल एज बेस्ट एज पॉसिबल नोइंग दैट इवन फिजिशियंस are also human beings. Exactly. So nobody is perfect. Lekin ye ke I think we can all afford to lose. But they can always try to reach that exactly. place. Dusra unka sawal ye tha ki I think main map se karna chahungi wo ye tha ki nutritionist kaise prescribe kar dete hain har ek ko ki ye khao ye khao, har ek ka system andar se different hai to wo bagair jaane pehchane बगैर कोई एग्जामिनेशन कराया आप उनके पास गए और उन्होंने आपको लिस्ट उठा के दे दी, बना बनाया प्लान उठा के दे दिया, ये कैसे करते हैं? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता यूसुफ साहब, मैं आपके साथ उस चीज पे। ऐसा नहीं होता कि लाइक हम मतलब प्री डिसाइडेड कोई भी ऐसा प्लान उठा के उन्हें दे देते हैं। इट्स लाइक कि हम पहले असेसमेंट्स लेते हैं, ठीक है, हम बीएमआई करते हैं, एनर्जी एक्सपेंडिचर देख रहे होते हैं कि कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं,
पर बॉडी वेट कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली ही उन्हें कोई सजेस्ट करते हैं। हाँ, अगर हम क्लिनिकल साइड की बात करते हैं तो फिर डिजीज से हम रिलेट करते हैं, कितनी कैलोरीज चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए, इस तरह से हम उस डिजीज को रिलेट करते हैं, न्यूट्रिशन को डिजीज से रिलेट करेंगे। प्लस अगर हम न्यूट्रिशन हेल्दी पर्सन की बात जब कर रहे होते हैं तो उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर देखते हुए कि एक हेल्दी पर्सन का एनर्जी एक्सपेंडिचर देखें, बीएमआई चेक करेंगे, हम बीएमआर चेक करेंगे, सब चीज़ों को चेक करके ऑल टुगेदर फिर हम उन्हें कोई भी डाइट सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे उन्होंने कहा दो टर्म्स उन्होंने यूज की, बीएमआई एंड बीएमआर। व्यूअर्स आपने सुना BMI, तो भी डॉक्टर साहब ने बताया था बॉडी मास इंडेक्स। BMR क्या चीज़ है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है? ठीक है, ये भी इतना जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो, और जो आप जो किलो जूल्स आप सॉरी किलो जूल्स जो आप ले रहे हैं और किलो कैलोरीज जो आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, हम उनकी बात कर रहे होते हैं। ये वो कैलोरीज हैं जो हम लोग की अनइंटेंशनली भी बस यूज हो रही हैं, जिसमें हमारे बॉडी प्रोसेस आते हैं, थिंकिंग आती है, देखना आता है, ब्रीदिंग आती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे हर किसी को हम प्री सेट कोई भी डाइट प्लान उठा के दे देते हैं, पूरा असेसमेंट होता है। कभी इनसे कहें कि कोई ऐसा मौका लगे तो किसी जो फ्री न्यूट्रिशनल कैंप्स लगते हैं उनमें जाके असेसमेंट्स करवाइए, तो फिर इन्हें आइडिया होगा कि किस तरह से हम लोगों को गाइडलाइन दे रहे होते हैं। अच्छा, नहीं ये सब प्रॉपर चेकअप के बाद होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं शुएब बात कर रहा हूँ कराची से। जी शुएब साहब, कैसे हैं आप? मेरा सवाल फूड एलर्जी के मुतालिक है। पूछिए पूछिए। मेरी वाइफ है, उसको तमाम किस्म के गोश्त और दूध से बनी हुई तमाम अशिया से एलर्जी, अगर इनमें से जर्रा बराबर भी उसने एक चम्मच बराबर भी इनमें से कोई चीज ले ली तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब तक उल्टी ना करे तो ये पेन रिलीफ नहीं होता, ठीक है। तो इसके मुतालिक हमें पता नहीं है कहाँ इलाज करें, किस डॉक्टर को दिखाएं। तमाम किस्म के गोश्त, यानी गोश्त के सालन का चम्मच अगर उसके सब्जी में आपने डाल दिया तो उससे भी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, वो जो सब्जी बनाती है वो भी तेल घी में बनाती है कि वैसी बना लेती है? तेल से बनाती है सब्जी कोई, मगर गोश्त के सालन का आपने अगर तरी भी उसके अंदर डाल दिया ना तेल, तो उससे भी उसमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दूध से बनी हुई जितनी भी अशिया हो, दही हो, दूध, आइसक्रीम, जितनी भी चीजों में दूध इस्तेमाल होता है उससे भी उसको पेन आता है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये मालूम है, तमाम गोश्त सिवाय मछली के, चिकन बीफ मटन इन सबसे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर मछली। सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, ये सिचुएशन इनकी कितने अरसे से है? ये कुछ मेरे ख्याल में बचपन में तो दूध पीती थी, लेकिन काफी पुरानी है ये भी। अच्छा, और जो आपने गोश्त से एलर्जीज की बात की, ये रिसेंटली हुआ है? ये भी कई पुराना, बचपन से मेरे बचपन से ये। अच्छा, इनका वेट कितना है? जरा सा भी टच कर ले, जब तक उल्टी नहीं करेगी, पेट से सालन नहीं निकलेगा तो पेन रिलीफ नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, इनका वेट कितना है? वेट तो नॉर्मल है, मेरे ख्याल में नॉर्मल है, नॉर्मल है, मतलब ये 50 ओके, ठीक है, परफेक्ट, वाओ। अब इसमें देखिए, लैक्टोज इनटॉलरेंस या जो मिल्क प्रोटीन एक होती है उसके लिए एलर्जीज या इनटॉलरेंस होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एन एंजाइम दैट इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वो तो एक चीज वेल नोन है, एलर्जीज टू बीफ एंड अदर एनिमल प्रोटीन्स, ये काफ़ी रेयर चीज़ है, इतना कॉमन नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आमतौर पर आप दूसरी चीज़ों से एलर्जी की बात करें तो बहुत ही अनकॉमन एक कंडीशन है, लेकिन डिस्क्राइब्ड है, होती है। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक तो ये सबसे पहले अपना न्यूट्रिशनल असेसमेंट कराएं बाय सर्टेन बायोकेमिकल मार्कर्स एंड टेस्ट टू चेक लेवल्स ऑफ डिफरेंट विटामिंस, ताकि ये पता चले कि ये इतनी अगर इनको क्रॉनिक इंटॉलरेंस रही है दूध और एनिमल प्रोटीन्स के साथ, तो वो डेफिशिएंसीज तो नहीं डेवलप हो गई जो कि हो जाती हैं अगर इस तरह की डाइटरी पैटर्न हो, ताकि इनकी जनरल हेल्थ सफ़र ना करे और उससे आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। तो ये तो पहली चीज़ है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ब्लड टेस्ट्स वगैरह करा के ये देखेंगे एनीमिक तो नहीं हो गई, ये देखेंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से हड्डियां, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वीक हो रहा हो, नर्वस सिस्टम वीक हो रहा हो, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद कुछ टेस्ट ऐसे हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेट मी टेल यू,
जिसमें हम इन तमाम चीज़ों के लिए इम्यूनिटी को चेक कर लेते हैं. इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट, बाहर अवेलेबल है ये टेस्ट पाकिस्तान में टू माय बेस्ट नॉलेज. पता नहीं 6 एलर्जेंट्स को साथ टेस्ट किया जा सकता है? नहीं नहीं, कई इससे कहीं ज़्यादा हैं. एयरबॉर्न एलर्जेंस जो एस्थमा और हे फीवर के मरीजों में हम करते हैं, और इसके अलावा फूड एलर्जीज के लिए भी एक पूरा पैनल है जिसमें 25 या 30 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं. अंडे से है, मछली से है, गोश्त से है, दूसरी चीज़ों से है जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं. उसका एक ब्लड टेस्ट होता है जो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन इट इज वेरी मच डिस्क्राइब. हम इतनी चीजों में आगे चले गए, एक टेस्ट मामूली सा टेस्ट अवेलेबल नहीं है. इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी तरीके हैं. और सबसे बेस्ट चीज होती है कि कहते हैं एलर्जी का पेशेंट अपना की सेल्फ असेसमेंट करता है. उसको खुद पता होता है कि उसको किस किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है. वो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना, उसको ये टेस्ट वेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही उसको पता चल जाता है. हाँ बिल्कुल, पता चल जाता है कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और फिर ऑल्टरनेट्स क्या हैं, न्यूट्रिशन के ऑल्टरनेट्स क्या हैं जहाँ से वही विटामिन और कैलोरीज उन्हें मिल जाएं जो कि आम सोर्सेज से नहीं मिलती. जैसे मिसाल के तौर पर अगर मिल्क प्रोटीन से एलर्जी है तो सोया मिल्क या उसके ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं. इनको क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे अपनी सारी गजाई जरूरियात जो है वो पूरी करें, क्योंकि गोश्त से इतना मेजर हमारे पास प्रोटीन आता है. गोश्त से कहते हैं कि ओमेगा 3 भी आता है और नाइसिन, विटामिन B12, ये सब चीजें. तो ये क्या क्या खाएं? अच्छा, क्या इलाज? इन्होंने अंडे से तो कुछ नहीं खा ना? नहीं, सारे इन्होंने अंडे और मछली से. अंडे का शायद जिक्र नहीं किया, अंडे का जिक्र नहीं किया, लेकिन मछली उन्होंने कहा कि खा सकती तो ओमेगा 3 वहां से आ जाएगा. ठीक है, लेंटिल से पूरा कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा.